she started shouting on that NGO कि आप यहां पर क्यों आए हैं. अब मैं शिकायतें सुनने गया हूं, मेरे पास कोई भी आ सकता है और उनकी एजेंडे में लिखित शिकायत है, उनको प्रशासन चिट्ठी देकर बुलाता है और मेरी मौजूदगी में यही एनजीओ का आरोप है कि पुलिस हमारी बात नहीं सुनती और मेरी मौजूदगी में ही उनको धमकाया जा रहा है. तो इससे सारी बातें स्पष्ट और साफ हो जाती हैं और इस बात को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि लोग अपनी शिकायत करने से डरें, लोग अपनी बात ग्रीवेंस कमेटी में आके कह ना सके. उसको डराया गया, उसको धमकाया गया. मैंने कहा मैडम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं. तो फिर उन्होंने और बातें कहनी शुरू कर दी कि हम क्या कर सकते हैं, मैं गोली मार दूं. अब एक एसपी है, आपको वहां पर कानून की रक्षा करने के लिए ही रखा गया है. कानून की रक्षा करने के लिए अगर पुलिस को गोली भी मारनी पड़ती है तो मारी जाती है. किस लिए रखा हुआ है? और अगर पुलिस नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? तो यह स्थिति है. फिर जब वो बार बार ये कहने लगी कि जमानत हो जाती है, कोर्टें कर देती हैं, हम क्या करें इसमें, तो मैंने कहा फिर अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर आप जाइए यहां से. वो कहती मैं नहीं जाती. तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपसे बहस तो करना नहीं चाहता, मैं उठ के चला जाता हूं. मैं उठ के आ गया वहां से. मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर दी और एक बात मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि काम ना करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी और प्रशासन के सताए हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी या कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं उसके लिए तैयार हूं. जो काम चोर हैं वो तो मेरे से सारे नाराज रहते ही हैं, वो तो शिकायतें करेंगे ही, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है. मैंने तो सारा मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला दिया. अब जो करना है वो मुख्यमंत्री जी को करना है.